सोशल भी है, सांस्कृतिक भी है। और साथियों आर्थिक सामाजिक तौर से बहुत ही मैच्योर है और उनको गठबंधन का उम्मीदवार दोनों ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने बनाया है। और आज आपके बीच में 5 साल के लिए अपने हाथी वाले बटन से वोट की अपील करने के लिए आए हैं। वो आएंगे, खड़े होकर आप लोग खड़े बनेंगे। बहुत ही आदर मान सम्मान के लोग अपने ऐतिहासिक गांव बचकर की बहुत ही सम्मानित सरकारी मेरे साथ चल रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला के महासचिव वस्तुशी जी देवलिया जी, जो बड़े गांव लालपुर से आपके बीच में, और इनेलो के गोदरा जी जो भरतपुर गांव से आपके बीच में, श्रीलाल जी सीकरी से जो बहुजन समाज पार्टी के, शिवलाल जी के अलावा और भी हमारे सब साथी बैठे, सरदार वीरेंद्र सिंह बैठे मुजफ्फर से, अखिल से, और गांव की तमाम सरदारी साथियों बुजुर्गों सहायकार बुजुर्गों मात्र साथी, आप सबको मेरा शांति का जय भी राम राम। आपके बीच में अब चुनावी लोग हैं जो सभी आए थे, हमने वोट की अपील करने आए और बाकी सब लोग भी आपके बीच में आए बदले या जो कोई इंतजार आ रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है जो जीत की गारंटी देता है। 1998 में भी ये गठबंधन राम देवीलाल की पार्टी इंडियनो और बहुजन समाज पार्टी का हुआ था, तब 10 में से 5 लोकसभा सीटें इस गठबंधन ने जीती थी, जिसमें से 1 सीट बसपा अंबाला से और 4 सीटें इनेलो की बड़ी मार्जिन से सीटें दी थी। ये क्यों है प्रमाणित गठबंधन? इसमें वोट है किसान की, दलित की, मजदूर की और पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, मतलब सब लोगों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ताऊ देवीलाल वाला दल और माननीय बहनी वाली जो पार्टी दोनों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें उद्या पाड़ी भी, कर्मचारी भी, यहाँ सब जो पीड़ित है वो किसी तरह से जैसे किसान का आंदोलन हुआ तो भी देखो हमने इन्हें लोग का बहुत भारी समर्थन किया है। और यहाँ तक कि अभय चौधरी जी ने तो अपने पर्चे त्याग पत्र दिया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार फिर दबाव लेकर काम किया, और मेरे को आप समझ सकते हो कोई अपनी पर्ची सरपंची पर्ची भी हाथ एमएलए तो बहुत दूर की बात है, और उन्होंने अपने पक्ष को लाभ साझा करते हुए सरकार पर किसानों के पक्ष में दबाव बनाने का निर्माण किया और उस दबाव से सारे कानून सरकार को पीछे हटना पड़ा था। ये एक ऐसा बड़ा आंदोलन था, हमने तो कभी देखा नहीं और शायद ऐसा देखने को कभी मुश्किल से ही रहेगा, तो इतना बड़ा जन आंदोलन था। सरकार जो ये दल जो इंडियन नेशनल लोकदल तो ताऊ देवीलाल ने एक ऐसा जन आंदोलन जो छेड़े हैं, जनता की आवाज बने हैं, जो वंशद है उसमें ताऊ देवीलाल ने बोला, ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे अमित चौटाला जी हो, चाहे इनके बाद आपका चौटाला अर्जुन चौटाला, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कर सकती लाइफ पे चलने वाले लोग हैं, ये किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले लोग हैं, इसलिए ये जीत की गारंटी है। और दूसरी गारंटी होती है जीत के बाद की गारंटी, जीत की गारंटी की जनता भी समझती है, क्योंकि सब लोग सरदारी साहब का जीत हम जीत हो जाती है, अगर सरदारी साहब नहीं है तो फिर बात नहीं होती,
लेकिन असली बात है जीत के बाद की, कि जीत के बाद की गारंटी खोलते तो जीत के बाद लोगों का मान सम्मान और लोगों के विकास कार्य लोगों का भाईचारा बना के रखे। अब तक तो क्या हो रहा है कि भाईचारे की बजाय सारा सारा पसंद किया है इन्होंने, भाई से भाई को पसंद नहीं किया, भाई चार में से चार निकाल लेते हैं और भाई को अकेला छोड़ देते। तीन कार्यकाल मिथिला विधानसभा को अस्तित्व में आया, तीन चुनाव है, चौथा चुनाव चल रहा है, तीन चुनाव में एक साथ ही रहता है। सबसे पहले वो कहता मेरी सरकार इकट्ठी हो गई, मैं पाऊंगा तो आप और सभी सम्मान करते हैं, लेकिन बनने के बाद ये कोई ऐसा लोगों से पैरामीटर नहीं है, उसके बाद तो सबका सम्मान होना चाहिए, नौकरियां देनी गरीबों को देनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि हमने नौकरियां बहुत दिया थी और हमने तो सुना है तो अपने लड़की को रिश्तेदार करवाई है, तो वो कहानी है कि अंधा मारने नहीं होगी आगे नौकरी करते ही फिर फिरा तो लोगों को दे, ये तो हुआ है। और एक लोग तो गरीब बच्चा नौकरी कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारी अपने पुत्र वधू फिर अपने लड़के की शादी सारी हमने जो रिश्तेदार किए उनके के नाम है, और आप अपने घर घूम घूम के और गांव में भी किसी को दिए तो अपने कोई चालूकार लोग पूरे दिन कोई मुखिया साहब को दिए साथ में घूमता होगा कि नाम ऐसे को दिए, तो गरीब सवाल का वो कोई मुझे लेता की कोई काम किया। और दूसरे दूसरा साथी बना वो भी भाईचारा काम करने वाला, कोई तीन मीटर में कुर्ता सीधा छह के पटे में कुर्ता हाथ से फाट गया एमएलए बन गया, इतना आसान काम है यहाँ एमएलए बनना, यहाँ कुर्ता दिला ये भी पूछते यहाँ के लोग कि भाई तुझे हमें ये काम करना पड़ेगा ना करने की जो इमोशनल कार्य शरीर हो गए थोड़ी बारी यहाँ की जनता मैंने पिछले छह साल से मैं देख रहा हूँ कि बहुत नरम दिल लोग घुसते हैं यहाँ, किसी को ठगना आना चाहिए, लेकिन सुरेंद्र बोस किसी को और से भी और ये कैटेगरी पीछे वो कोई ये काम नहीं होना, मुझे ये काम नहीं रहा। और देखो हमें तो काम आता है कि वे लोगों के बीच में जाएंगे उनके बीच में आज भी सेवा कर जितना दम है ताकत है, अब तो आप लोगों ने ताकत पहुंची ऊपर वाले की कुछ ताकत थी तो उस हिसाब से सेवा करेंगे, हमें तो और तीसरा साथी आपने जो विधायक बनाया वो भी आपने काम के नाम पर तो वोट दिया ही दिया, आपने ये नहीं पूछा भैया क्या क्या काम करेगा तुम्हारे चुनाव का मैनिफेस्टो क्या है, चुनाव आप लड़ क्यों रहे, चुनाव लड़के क्या करना चाहते हैं किसी ने पूछा नहीं, कम से कम आप पूछिए आप पूछे उनसे भी हमसे तो तब हमारी जनता देखी कि ये भी पूछ रहे थे आप चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हो क्या करना चाहते चुनाव लड़ने ये पूछ रहे, और चुनाव लड़ने आपका विजय क्या करोगे क्या और क्यों करना चाहते हो ऐसे नहीं पूछते हैं, बस मुझे यही हुआ बस यहाँ तो ये चल रहा है कि मेरी तो बिल्कुल आत्मा भाग नहीं पड़ी, मेरे को जुए दारू जुए में और दारू पी के मैंने सारी जमीन बेच दी और अब तो मेरी बिल्कुल आत्मा शरीर खोखला हो गया और आत्मा बाहर निकली पड़ी हुआ भैया तेरी आत्मा अगर बाहर निकल जाती तो तू बोल दिया बात का ये भी ना समझे थे तो कभी समझ आते यार आत्मा बाहर निकलने की कह रहा है तो झूठा आदमी आत्मा निकलने के बाद तू वोट मार सकती और बोलो मैं हर साल बहुत अच्छी रिकॉर्ड बनाता हूँ भैया बनाता होगा शायद के लिए बनाओ जिसके पास की जाए शायद सत्रह गरीब गरीब के हिसाब से होगी, तो बोला हमने कई साल हो गए दीपावली बनाए भाई मेरी दीपावली बनवाओ हमने तो भाई मेरी दुर्गा निशान रखी भैया दुनिया की बहुतों की राम हुई पड़ी मैं उनका भी कोई ना सहारा बने कोई ऐसी मदद नहीं है, तो आप इसमें कुछ एमएलए बनाने की कोई बात नहीं थी, लेकिन आप ऐसे धर्म के इंसान और आपने ऐसी लहर चलाई कि सब पे तंबू फट गए और उसकी बात
दिया, ये तो आपने काम को बढ़िया किया। और वो दीपावली बनाने की बात थी, उस साल में एक दिन की थी, 21 तारीख का चुनाव था, 24 की दिवाली थी, भाई एक दिवाली आप करो, असल साल बनाने साल में एक दिन बनाने की बात हुई होगी। और उधर शेर का पट्टा साल में 365 दिन की दिवाली मनाता है, कोई आदमी काम करने के लिए बना दो मेरे जैसा अपनी बात जो आपकी सेवा करे, अपनी सेवा में अपने सेवा भाव के लिए कोई मुझे जैसा भी कुछ सेवा का इंतजार कर दो अपनी बात। और तीन साथी आपने बुलाए, तीनों को सुने और तीन आना के अंदर जो पालन कर दो मेरा मुस्लिम कर किसान है आदमी मुझे रोना धोना दिया था, मैं तो आपको ये समझूंगा आप भी मेरी आवाज बनो, मैं कैसे कर बनोगे, अब ऊंची करे तो मुझे दिया था, मैं तो तुम्हारे तुम्हारे लिए धन मन धन अर्पण सब कुछ है तुम्हारा, अरे इसमें क्या लागे मेरा बात तुम्हारी बात है, अब तो आप भी हो, आप मेरे लिए सुन जाओ, चौथा नंबर हमारा ही है, तीनों एक बार बना लिए सरकार की अभी तो बार बार नहीं चलती, कम से कम एक बार तो धोखा को दे सकता है, तो दोबारा नंबर फिर चौथा पांचवा किसी का नंबर लगे तो उनमें से मेरा नंबर लग गया लगा पड़ा। अब की बार ये गठबंधन की सरकार बनाओ, अभी हमारे बच्चों सिंह अयोध्या जी अपना आपके साथ चार सवाल बड़ी मजबूती से लग रहे हैं, मुझे जल्दी सुबह उठा के मेरे से लाने लग रहे हैं, कि हमें तो 10,000 वोट देके गया कि भाई ठीक है
या खुद ही कोई मैदान छोड़ दिया तब तो मैं मैदान छोड़ूंगा कौन जो तुम्हारी कोशिश थी। मैं कहता हूँ तुम मेरी मदद ही नहीं कर रहे, तुम मेरे साथ ही नहीं चल रहे, तुम मुझे बैठा रहे, मैं ऐसे कहूँगा तुम मुझे वोट क्यों दोगे? तो ये तो उसने जो किया है ये तो तुम्हारे मैदान टीम पर के मुझे उसकी बोल रही है। अगर सबसे बताया लेकिन मैं अपने संगठन से उनको 19 नहीं वोट हमारे पास व्यस्त करता हूँ। जैसे संगठन जैसे इंडियन नेशनल लोकदल का है, अगर इसके मुकाबले में किसी के पास संगठन है तो वो बीमार नहीं होगा है। और वो आपको आप देखोगे अभी अगले 3 दिन 2 दिन में क्या होगा, आप दूध के 20-20 बाहर नहीं मिलेंगे आपको। वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, वो मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, वो सब माननीय बैठी के लिए कोई अलग से नहीं है। तो ये एक पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र में आपको एक 5,000 आदमियों का एक ऐसा नेटवर्क वोट को बाधा, लेकिन 5,000 आदमी आपको काम करने वाले अगर नहीं मिलेंगे तो किस भी मार्गी के लोग हैं और बड़े ताकतवर, बड़े होशियार और बड़े भूखे पिसाई को काम करने की क्षमता उनमें है। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है, मैंने कभी उनसे हमने यदि श्रद्धा की अलग पार्टी है, हमने इकट्ठे आंदोलन के इकट्ठे किसी के साथ की हुई तो हमने उन लोगों के साथ मिलकर और किसी ने उन्होंने मुझे रात को बुलाया कि भाई अगर इस क्षेत्र में कोई प्रत्याशी समर्थन देने के लायक है तो वशिष्ठ है। मैं तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान देंगे और उनको कहीं ऐसा महसूस नहीं देंगे होने देंगे कि कोई उनको छोड़ के चला गया वो अकेले रहेंगे नहीं। और मैंने उनको अच्छे से समझाया भी तुम्हारे जो तुम इस बात का विलाप कर रहे हो विलाप नहीं तो खुशियां बतानी चाहिए कि एक ऐसा साथी समय से समय रहते छोड़ के गया तुम्हें सोचने समझने का मौका मिल गया और आप लोग हमसे मिलकर केस हो गए। ये बात विराम करने की नहीं है, ये बात खुशी मनाने की है। तो उन लोगों ने फिर खूब जयकारे लगाए और माननीय बहन जी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद कि उनका एक घर की शादी है। तो ये कोई इस बात को दूसरे उसमें लहने में लाने का इवन केदार कंट्रोल अगर समर्थन देने जा रहा है तो हमारा देश का जाए कहीं जाए पूरा सामान पूरा सब सामान बहुजन समाज पार्टी का मत हो गया। और फिर यहाँ तो आप एक बात हम लोग बहुत पूरे हरियाणा में कहते हो कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल और ये ना दूसरे चौटाला जे जेपी अगर ये हो जाए तो वह पता नहीं क्या करते कहते हैं ना कि वह कांग्रेस को खत्म खत्म करके भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं नहीं आने दे। और जब पिछला मंत्र एमपी हो गए पिछला मंत्र जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी एएसपी अब दो एमपीपी भी और है ये कम 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 में सारे लोग शामिल हो जाएंगे। मैं दो हमारे और समाज के बीजेपी में से जो टिकट नहीं मिली वो चुनाव लड़ रहे और आम आदमी वाले लड़ रहे, मैं सबको एक साथ नहीं करना चाहता। हम आप देख रहे ना हर एक दिन नया काम करने सड़े ताकि मेरी खबर बनती रहे। ये समाज के साथ है तुम्हें जो इन्हें मिलने को 1,00,000 वोट का लक्ष्य दिया इसमें परमात्मा तुम्हारे साथ है और जनता भी साथ है और कार्यकर्ता भी साथ है और हमारी पार्टी के दूसरी पार्टियां भी साथ है। वो कैसे है अब भारतीय जनता पार्टी के 2 आदमी टिकट मांग रहे थे, एक को मिली ऐसे को मिली जिसको पार्टी में किसी कोई खुश नहीं ऐसे को मिली। 3 चुनाव लड़ने
जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय राम, जय भगवान परशुराम।